प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल फैक्ट फिक्शन को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हर 3 दिन में ऐसी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। क्या भूत सच में होते हैं या फिर यह हमारे दिमाग का कोई भ्रम है? क्या भूत का कोई अस्तित्व है या नहीं? आज मैं आपको अपनी रिसर्च और साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा भूत होते हैं या नहीं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं फैक्ट फिक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो भी मैं आपको बताऊंगा वो एक साइंटिफिक वे में बताऊंगा। भूत होते हैं ये अभी साइंस प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं कर सकी है, बट ये थ्योरेटिकली बहुत पहले प्रूफ हो चुकी है। साइंस के हिसाब से सोल यानी कि आत्मा एक तरह की एनर्जी होती है, और साइंस में साफ साफ शब्दों में लिखा है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है, वो इस दुनिया से कभी नहीं जाती। अब मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें साइंस खुद बताएगा कि भूत हमारे दिमाग का भ्रम है और कुछ नहीं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स यानी कि घोस्ट हंटर्स भूतों को ढूंढने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं, और उस डिवाइस के हिसाब से भूत जहाँ कहीं भी होते हैं उस जगह का टेम्परेचर ठंडा होता है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? घोस्ट एक तरह की एनर्जी है, और जहाँ एनर्जी हो वो जगह ठंडी नहीं गर्म होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो भूतों के नहीं होने का सबूत देता है। आप में से बहुत लोगों ने हॉन्टेड हाउस के बारे में जरूर सुना होगा, और बहुत लोगों ने तो एक्सपीरियंस भी किया होगा। हॉन्टेड हाउस में हमें बहुत तरह की आवाजें सुनाई देती है जो हमें बहुत ज्यादा डराती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की माने तो जब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ मरता है तो उसकी आत्मा उसी घर के सीलिंग और फर्नीचर में समा जाती है, जिससे हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई है। लेकिन अगर साइंस की माने तो हॉन्टेड हाउस जैसी जगह काफ़ी समय से बंद होती है और वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, इसलिए इस तरह की जगहों में कुछ फंगस और मोल्ड जैसे अर्गोट पाए जाते हैं जो कि लाइसर्जिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये एक तरह का केमिकल है जिससे एलएसडी ड्रग बनता है, और जैसा कि हम सब जानते हैं ये दिमाग में एक तरह का नशा और भ्रम पैदा करता है जिससे हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई है। ये दूसरा पॉइंट है जो भूतों के नहीं होने का सबूत देता है। इंफ्रासाउंड्स, ये एक तरह की आवाज़ें होती है जिन्हें इंसान नहीं सुन सकते, मगर कुछ एनिमल्स जैसे एलिफेंट सुन सकते हैं। ये बहुत लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस होते हैं जो हमारी बॉडी को डिस्कम्फर्ट फील कराता है। साइंटिस्ट की रिसर्च के हिसाब से ये लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस हमारे दिमाग में बहुत से केमिकल रिलीज करता है जो हमें पैनिक फील कराता है। ये हमारे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में चेंजेस करता है, और बॉडी में इसी चेंजेस की वजह से हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई है, और हमें हमारे आसपास किसी साए के होने का एहसास होता है। तो दोस्तों, ये तीसरा पॉइंट है जो हमें भूतों के नहीं होने का सबूत देता है। आए दिन इंटरनेट पर हमें कई प्रकार के भूतों की तस्वीरें मिलती है, जिनमें से कई तस्वीरें फेक होती है जो कि ह्यूमर को बढ़ावा देती है, मगर उनमें से कुछ तस्वीरें रियल भी होती है। हॉलीवुड में कुछ फिल्में रियल घोस्ट स्टोरी पर आधारित हैं, जैसे कि 2013 की सबसे पॉपुलर फिल्म कॉन्जुरिंग। उसमें बताया गया है कि आत्माएं सिर्फ चीजों के अंदर ही नहीं इंसानों के अंदर भी घुस सकती है। क्या आपको उस मूवी में एनेबेल डॉल याद है? असल में तो वो डॉल ऐसी नहीं बल्कि ऐसी दिखती है, और ये दुनिया के सबसे शापित चीजों में से एक है। दोस्तों, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स क्या मानते हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। बट साइंस के हिसाब से थ्योरेटिकली भूत होते हैं बट प्रैक्टिकली नहीं। तो आप क्या मानते हैं, भूत होते हैं या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हर 3 दिन में आपके लिए ऐसी लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ आपका दिल करे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।